थैंक यू सो मच गाइस, इतना दिन आप लोग पेशेंस लेके रखे और फाइनली थाईलैंड ब्लॉग हो चुका है, घर से जाके आ चुके हैं और जितना डिले व्लॉग्स था सब मैं पोस्ट कर दी हूँ एंड वेलकम टू प्रेजेंट डे व्लॉग। और अब से एकदम प्रेजेंट डे व्लॉग आप लोग देख पाओगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी कि मैं आप लोगों को डेली व्लॉग्स दिखा पाऊंगी। अब हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज हम फिर से थोड़ा बहुत घर साफ सफाई एंड क्या कहते हैं उसको क्लीन कर रहे हैं, थोड़ा कुछ कुछ चीजें सही कर रहे हैं। कल जैसे हम लोग पेंट किए हैं दीवार को, इसको तो हम लोग पेंट नहीं बोलेंगे, इट्स लाइक डिजाइन काइंड ऑफ। और बहुत ही मैं इसका अलग से शॉर्ट्स बनाऊंगी, इतना मजेदार दिखेगा ना। और बाकी ये कि मैंने ना ये देखो दूसरे दीवार पे ये हैंडमेड हैंडक्राफ्ट पेंटिंग्स भी लगाए हैं। ये एक्चुअली बेत के ऊपर बना हुआ बर्तन है, एक्चुअली ये सब बर्तन वाइज यूज करते हैं लोग, पर इसको मैंने वॉल पेंट डिजाइन दिया है। तो मैं ये सीटिंग एरिया को थोड़ा बहुत कैफे लुक और थोड़ा एकदम हैंडमेड चीज़ों से भरना चाहती हूँ को, और थोड़ा बहुत गार्डनिंग किए है और आधा से ज़्यादा छत तो सुंदर कर दिए है, बट एक पोर्शन में बहुत ज़्यादा एकदम डेड प्लांट्स एंड बहुत अजीब था। तो हम लोग दो दिन पहले गए थे कैजुअल डेट में और हम लोग यहाँ पे भिलाई मॉल पे गए थे और मस्त यू नो यहाँ पे एक शॉप है DIY करके, वहाँ से हम लोगों को जो इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट मिला। लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ का सॉफ्टी खरीद के खाए जो कि सिर्फ 15 रुपए का है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हल्दीराम का है। तो हम लोग DIY पहुँचे एंड वहाँ पे इतने सारे चीज़ें थे, पर हम लोग मेनली खरीदने गए थे छोटे पॉट्स एंड वहाँ हम लोगों ने ये दो छोटे छोटे पॉट्स खरीदे एंड फिर एक दिन पहले हम लोग घर में प्लांट लगाए और ये अब इतना सुंदर दिखता है। उसको अभी कुछ इस तरह अभी छोटे जगह पे लाए हैं, वो यहाँ यहाँ तक बड़ा जगह पे था, तो इसको भी सही करना है। पर मोनी आज थोड़ा सा टायर्ड है, पर मैं गंदी बीवी फिर से काम करा रही हूँ। काम आज ये है, ये देखो ये छाद ना ऐसे प्लेन था, ऐसे पेड़ तो ऊपर तो ये सब घर वर बना जब है ना, तो यहाँ पे वो माल मसाला करता था, तो यहाँ पे ये लोग सही से साफ नहीं किया है। अब देखो ये ना पटक पटक के उठ जाता है, तो हम लोगों ने बहुत सारा यहाँ पे साफ किया है, ये पूरा था तो अभी यहाँ पे पूरा लेयर है, तो उसको हम लोग साफ कर रहे हैं। ये जनाब तो आधा टाइम बिजी रहता है, तो जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं तो घर का काम कराती हूँ। एक डॉग और एक पति पलते हुए, देखो क्या सताता है इसका, क्या करा तुमने ये? हम कहते हैं कुत्ते का पूछ सीधा नहीं होता। ब्लैकी क्यों करते हो तुम उसके साथ ये? छी भगवान कैसा दिख रहा है, वो भी समझ गया, वही से आदमी कुछ नहीं बोलता, वो हिलना बंद कर चुका है। क्यों ये उदास हो गया? उदास हो गया, कुछ नहीं हिला पा रहा। वो मूवी का याद आ रहा है, सर पे चोटी कर देता था ना, ऐसे ऐसे चोटी रहता था, हिल नहीं रहा वो तो। ब्लैकी वो वो पैर खुला है, लेज बंधा है सिर्फ। वो घंटा हम लोग मेहनत किए और अभी मैं देखो ये वाला ड्रेस पहनी हूँ, पर ये थोड़ा लंबा नहीं दिख रहा। एक्चुअली मैं हनीमून में ये पहन के, तुम लोग देखे होंगे हम लोग बैंकॉक में पहने थे, उस टाइम ना मैं ये वाला पोर्शन नीचे का खोल दिया था क्योंकि इट वाज बहुत लंबा फॉर बैंकॉक। पर अभी नॉर्मल लाइफ में पहनने के लिए तो ऑब्वियसली इतना छोटा नहीं पहन सकते, तो मैंने इसको फिर से दोबारा लगा लिया है। नाउ इट्स क्यूट। अब देखो क्या कर रहे हो? देख रहा हूं तू व्लॉगिंग कर रही है। वाह, हाँ तो मैं बोल रही थी ये कि मैं क्यों रेडी हुई हूँ, क्योंकि आज है 15 मार्च और 15 मार्च को लास्ट ईयर क्या हुआ था बेबी? ऐसे बोल रहा है जैसे जेल वेल का डेट बोल रहा है, एकदम सरा हुआ मुंह लेके।
हाँ तो मैं बहुत खुश थी उस दिन, तो आज भी मैं खुश हूँ। तो हम लोग सोचे कहाँ जाते हैं, दिन भर तो काम काम में चला गया, तो थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं, सॉफ्टी वगैरह खाएंगे, लेट्स गो। हम तो खुश है, ब्लैकी इज नॉट हैप्पी। देखो सिर्फ फेस बनाया है, रो देगा, पर क्या करूं मैं, शांति से रहता तो इसको लेके भी जाता, बाहर जाके बंदर बन जाता है, यहाँ शांत से बैठा है। भाई सैड हो गया, वो कोने में बैठा है, देखो भाई पाकू वाला भाई नहीं रहा, इतना सैड है, गुस्सा हो गया कि हर दिन छोड़ छोड़ के जा रहे हो। घर से निकल के कुछ दूर चलते ही मेरे को लग गई भूख, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा अजीब डाइट कर रही हूँ, सुबह को मैं भात नहीं खाती हूँ, मैं रात को ही सिर्फ खाती हूँ, तो शाम को मेरे को लग गया भूख, तो मैं सोची क्यों ना जो से जा रहे थे उसमें स्वर्मा मिलता है तो क्यों ना खाया जाए, बहुत दिन हो गया था, तो यहाँ पे स्वर्मा खाए, मस्त बढ़िया सा, यहाँ का बहुत टेस्टी होता है। और वहाँ से निकले भिलाई मॉल की तरफ, और वहाँ पे मॉल के सामने एक मस्त सा पानी पूरी बिकता है, अब फुचका वाला टेस्ट तो मिलता नहीं है कोलकाता वाला, ये लोग फुचका में गए थे गुपचुप, गुपचुप का मजा लेते हुए हम लोग मॉल के अंदर गए, और फिर हम पहुंचे हल्दीराम वहाँ पे सॉफ्टी खाने। जिमी चू नकली वाला, जिमी गु ये हमारा थर्ड डे है, ये ज्यादा होता है। डीप होता तो मजा आता ना, डीप होता तो। एक मेरा खत्म नहीं हुआ है, इसका खत्म हो गया है, बोल रहे हैं और एक खाते हैं, मजा आ रहा है सच में, इतना सच में नहीं, इसको खाना है, तुमको खाना है, मैं तो खा लूं, चलो मजा तो आ रहा है। जल्दी जल्दी घर आई, ब्लैकी नो शायद होके था और मेरे पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। गेमिंग रूम में बैठी हूँ क्योंकि ना मैं, हमारे रूम का एसी हो गया है ख़राब, कंप्रेशर जो है वो उड़ गया है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो इस रूम में एसी है अभी फ़िलहाल, तो मैं मस्त, ये देखो ये गद्दा टेम्पररी गद्दे में मस्त यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। अभी एक अर्जेंट वर्क आ चुका है जिसके लिए हमें जल्दी जल्दी कर रही हूँ, उसके बाद मोनिशा भी जो गया है खाने गया है नीचे। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि लास्ट ईयर मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी अपने रिंग सेरेमनी में, पहला रीज़न ये था कि मेरे को वेस्टर्न टाइप का शादी करनी थी, बचपन से मेरा शौक था, पर ऑब्वियसली शादी तो नहीं हो सकती, तो मैंने एंगेजमेंट वैसे ही टाइप से किया था और ये मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ था। और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत दो चार बार मैंने कमेंट्स पे देखा है, वो है कि हमारा लव स्टोरी क्या है, तो मैं शॉर्ट पे बता रही हूँ। हमारा लव स्टोरी ये है, हम लोग 2019 में हम लोग गेम फ्रेंड्स BGMI मतलब पबजी जो गेम है उसके थ्रू हम लोग फ्रेंड्स बने थे, एंड 2020 लॉकडाउन में हम लोग नंबर एक्सचेंज किए थे, मेरा कुछ काम था कराना था उससे, ऐसा लॉकडाउन में हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए, हम लोग लाइक मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी 2020 में शुरू किया था गेमिंग चैनल, साथ में गेम खेलते रहे ये रहे, और 2021 में हम लोग फर्स्ट मिले थे कोलकाता में, एंड उसके बाद हम लोग घूमने गए थे मनाली, हम लोग सारे पबजी फ्रेंड्स पहला घूमने गए थे, वो ये पब जो पहले हम लोग मनाली घूमने गए थे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दी हूँ, वो ब्लॉग देखो बहुत अच्छा लगेगा, वो हमारा पहला टूर था। एंड फिर हम लोग मिलने लगे, मोनिश मेरे को सबसे पहले प्रपोज किया था, प्रपोज वॉज लाइक नॉर्मल फोन में ही था कि प्यार करता हूँ एंड ऑल, आई वॉज लाइक कि शादी करेगा तो प्यार करेंगे वरना नहीं, एंड हम लोग दो साल डेट के बाद हमारी शादी तय हुई 22 के नवंबर में, मोनिश ने मुझे प्रपोज किया था भाई के शादी के फंक्शन में, एंड 2023 नवंबर सेम डेट, भाई के शादी के सेम डेट में हमारी शादी हुई, मतलब इट वॉज लाइक नॉट लाइक लॉन्ग डेटिंग, हम लोग जल्दी जल्दी कर लिए, और मेरे को बातें सुनाता है अभी, जबरदस्त शादी क्यों बोलता है, हंस रहा है देखो, जब भी झगड़ा होगा उसका एक तो ही तो बुरा था, इतनी जल्दी शादी करना है करके, और जब घूमने जाते साथ में तब नहीं होता तुमको, बदमाश ब्रो। स्वर्मा खा लिया था, अभी बजा है रात के 3:08 और मैं अभी खाऊंगी क्योंकि मेरे को भूख नहीं लगी थी, फिर मैं स्ट्रीम करने बैठी
और स्ट्रीम के बीच में मैं कैसे खाऊं माछ भात। तो ये देखो एक छोटू वाला मैंने कढ़ाई खरीदा है जल्दी जल्दी अंडा वंडा करने के लिए। चलो अभी खाऊंगी। ये देखो ये मछली बना हुआ है, आई थिंक इट्स वॉल मैच, आई डोंट नो, भूल गई कौन सा मछली है, कितना मस्त। और ये देखो ये 5 डब्बे खरीदी थी कल, डीमार्ट गई थी। और ऐसा है कि अभी हफ्ते में एक बार डीमार्ट ना जाऊँ ना तो मेरे को मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है। पहले से बहुत मन करता था, इट्स लाइक मैं जब कोलकाता जाती थी ना मैं अकेले डीमार्ट टाइप, वहाँ पे तो साउथ सिटी जाती थी स्पेंसर एंड ऑल, और यहाँ पे डीमार्ट जाती हूँ मोनिश के साथ साथ, कुछ भी खरीदना हो छोटा मोटा घर का चीज़ या कुछ भी तो अच्छा लगता है। रात के 3:30 बजे नेटफ्लिक्स के साथ मैं अपना डिनर किया, फिर स्किन केयर करके ही मैं सोती हूँ। सोते सोते बजे ऑलमोस्ट 4। आज का ब्लॉग इतना ही, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग पे।